जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस। विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण की निरंतर टेस्ट सीरीज चल रही है और पर्यावरण का पार्ट 5 है, ठीक है। इससे पहले 4 पार्ट आप सभी लोग देखे हैं, ठीक है। तो पर्यावरण वर्ग 3 से संबंधित संपूर्ण तैयारी चैनल पर करवाई जा रही है। निरंतर पर्यावरण के टेस्ट हो रहे हैं, बाल विकास के टेस्ट हो रहे हैं, लाइव क्लासें हो रही हैं, तो चैनल पर एक बार जरूर देखें। चैनल की प्लेलिस्ट में देखें, सारी की सारी जो है लाइव क्लासों की प्लेलिस्ट है। सभी जो भी आपका संपूर्ण कोर्स है उसके हिसाब से पूरी की पूरी तैयारी की जा रही है। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर भी अवश्य करना है। आपका पहला प्रश्न है, कालाजार का संचार किससे होता है? जल्दी बताना है हमें, कालाजार का जो संचार होता है वो किससे होता है? तो वो होता है बालू मक्खी। बालू मक्खी यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा एक टॉपिक है पर्यावरण में हमारा भोजन, और हमारा भोजन से संबंधित वो सभी इसमें पूछे जाएंगे, विटामिन्स पूछे जाएंगे, रोग पूछे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछी जाएंगी जो आपके पेपर में आने वाली हैं, ठीक है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 28 का उत्तर सभी को बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? तो चेचक के लिए जो टीके का आविष्कार किया वो एडवर्ड जेनर ने किया, यानी जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? प्रश्न क्रमांक 29 का उत्तर बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? 29 का उत्तर होगा कैल्शियम अलेक्जेलेट। अलेक्जेलेट, कैल्शियम अलेक्जेलेट से, ऑक्जेलेट से जो है मानव गुर्दे में पथरी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो जल्दी से सुमेलित करना है, फटाफट बताओ। प्लेग कौन किससे होता है? एड्स किससे होता है? गंजापन किससे होता है? मलेरिया किससे होता है? ये सभी के सभी आपको पता होनी चाहिए। इसका विकल्प नंबर जो डी है वो सही होगा, डी नंबर, मतलब ए का जो 4 है कि जो प्लेग होता है वो जीवाणु से होता है, ठीक है, और बी का जो है वो 3 एड्स होता है विषाणु से, और जो गंजापन होता है वो कैसे होता है? वो होता कवक से, और मलेरिया जो होता है वो होता प्रोटोजोआ से। तो सभी को याद रख लेना है, प्लेग जो होता है वो कैसे होता है? जीवाणु से होता है, एड्स होता है विषाणु से, गंजापन होता है प्रोटोजोआ से, और मलेरिया जो होता है तो वो कैसे होता है? याद रख लेना है ना, मलेरिया जो होता है, सॉरी, गंजापन जो होता है वो कवक से होता है, गंजापन कवक से होता है, और मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ, यानी कि जो डी का जो है वो हो जाएगा 1, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत क्या होता है? प्रतिदिन स्नान करना, कूड़े का सही जगह निस्तारण करना, विद्यालय प्रांगण की सफाई करना, या वृक्षारोपण करना। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत क्या आता है? 31 का उत्तर हमें बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा प्रतिदिन स्नान करना, ये व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 32 का उत्तर हमें बताना है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 नवंबर। 19 नवंबर यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। आंखों की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए ठंडा पानी, गर्म पानी, काजल, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 33 का उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्म पानी। आंखों की सफाई के लिए जो प्रयोग करना चाहिए वो गर्म पानी प्रयोग किया करना चाहिए, यानी विकल्प नंबर सी है वो सही होगा। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है, सामाजिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य है? आंख की स्वच्छता, त्वचा की स्वच्छता, नाक की स्वच्छता, या फिर आसपास की स्वच्छता। तो प्रश्न क्रमांक 34 का उत्तर होगा आसपास की स्वच्छता, यानी कि जो विकल्प नंबर डी होगा वो इसका सही हो जाएगा। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 35 का उत्तर हमें बताना है, एल्बुमिन, ग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन, या फिर केसिन। प्रश्न क्रमांक 35 का उत्तर होगा केसिन। केसिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है, विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा विटामिन बी और सी। ये जो विटामिन है पानी में घुलनशील विटामिन है, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से
दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? जल्दी बताओ। 37 का उत्तर हो जाएगा तो वो हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है दूध में बहुत अल्प मात्रा में होता है, वो विटामिन सी का जो प्रचुर स्रोत है वो माना जाता है आंवला, मतलब आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? प्रश्न क्रमांक 38 का उत्तर बताना है। तो कैल्शियम, कैल्शियम कहाँ से मिलता है? विटामिन डी से मिलता है। जैसे सूर्य की जो किरण होती है, सूर्य की किरण जो होती है उसमें विटामिन डी पाया जाता है, और विटामिन डी जो है वो कैल्शियम का स्रोत माना जाता है। सभी को याद रख लेना, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, दालें निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत हैं? जल्दी से बताना है। 39 का उत्तर बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर इसका सही होगा, काई की हैं दालें, प्रोटीन्स की, है ना। दालों में क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, तो प्रचुर मात्रा में जो होता है प्रोटीन, इसका सही होगा। अगला, विटामिन ए को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 40 का उत्तर बताना है। तो विटामिन ए को जाना जाता है रेटिनॉल, रेटिनॉल यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो सही होगा। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 41 का उत्तर बताना है। डॉट्स नामक जो इलाज किया जाता है वो किस रोग के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग, क्षय रोग यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही होगा। क्षय रोग के लिए किया जाता है डॉट्स नामक इलाज। अगला क्वेश्चन है, एबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? प्रश्न क्रमांक 42 का उत्तर बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? एबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो पश्चिम अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है एबोला, ठीक है। पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है एबोला, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? प्रश्न क्रमांक 43 का उत्तर हमें बतानी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा टाइफाइड, टाइफाइड यानी कि जो विकल्प नंबर बी है ना, गंदा पानी पीने से टाइफाइड की बीमारी हो जाती है, विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आपको बताना है बीसीजी का टीका किसके संरक्षण के लिए होता है? प्रश्न क्रमांक 44 का मोस्ट इंपोर्टेंट, बीसीजी का टीका किसके संरक्षण के लिए होता है? गलफोड़, कुष्ठ रोग, क्षय रोग या फिर टिटनेस? जल्दी जल्दी से उत्तर बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा जो है बीसीजी का टीका जो होता है वो क्षय रोग के कारण होता है, यानी क्षय रोग के लिए होता है, यानी बी जो विकल्प नंबर बी है तो वो इसका सही हो जाएगा। मस्तिष्क ज्वर नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जीवाणु, तिलचट्टे, वायरस या फिर मक्खियां? 45 का उत्तर होगा, ज्वर नामक जो रोग होता है वो होता है वायरस के कारण, यानी विकल्प नंबर जो सी है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रिंग वर्म नामक बीमारी खालिस्तान के कारण होती है? तो जल्दी बताओ, कवक के कारण, वायरस के कारण, बैक्टीरिया फिर मक्खियों के कारण? प्रश्न क्रमांक 46 का जो उत्तर होगा वो होगा कवक। रिंग बर्म नामक जो बीमारी होता है वो कवक के कारण होती है, विकल्प नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण द्वारा नहीं होता? तो कौन सा नहीं होता? सभी को पता है कि जो हैजा है वो पानी के प्रदूषण से होता है, ठीक है, और जो टाइफाइड है पानी के प्रदूषण से होता है, दस्त हैं पानी के प्रदूषण से होते हैं, जो दमा है, दमा रोग ये पानी के प्रदूषण से नहीं होता, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 48 का उत्तर बताना है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी को पता है आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो घेंगा या फिर ग्वाइटर रोग कहा जाता है, इसे विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी खालिस्तान के कारण हैं? प्रश्न क्रमांक 49 का उत्तर हमें बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों मलेरिया। प्लाज्मोडियम जाति के जो परजीवी हैं वो मलेरिया के कारण हैं, तो इसका विकल्प नंबर बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, संक्रमित व्यक्ति से एचआईवी एड्स निम्नलिखित के माध्यम से फैलता है? थूक, और लार, वस्त्र, पसीना या फिर सिरिंज के? तो 50 का उत्तर हमें बताना है। उत्तर होगा सिरिंज। संक्रमित व्यक्ति से एचआईवी एड्स निम्नलिखित के माध्यम से फैलता है? तो सिरिंज के माध्यम से फैलता है, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया किस
किस मादा मच्छर के काटने से फैलता है? फटाफट बताना, प्रश्न क्रमांक 51 का उत्तर बताना है आपको। एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज या उपर्युक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 51 का उत्तर होगा एनोफिलीज। मादा मच्छर के काटने से मलेरिया जो है बीमारी होती है वो होती है, यानी विकल्प नंबर जो एक है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पांचवा पाठ था पर्यावरण अध्ययन सिलेबस के आधार पर वर्ग 3 का। ठीक है, और इससे पहले जो है 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, और भी पार्ट आने वाले हैं, सभी लोग प्लेलिस्ट में जाके देखें। विस्तृत रूप से भी मैं अध्ययन करवा रहा हूँ पर्यावरण बाल विकास का, तो वो जरूर पढ़ें, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। और साथियों, रोज आपकी लाइव क्लास होती है बाल विकास की, दोपहर 2:30 बजे होती है, उसको देखें, और 6:30 बजे शाम को लाइव क्लास होती है पर्यावरण और बाल विकास की, वो जरूर देखें। रात्रि 9 बजे हिंदी की होती है और करंट अफेयर्स की होती है 12 बजे। तो लाइव क्लासों से जरूर जुड़ें। साथ ही नोट्स आपको अगर प्राप्त करनी है तो नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, ठीक है, और उसमें सर्च करना है आपको IAS स्टडी ट्रैक। IAS स्टडी ट्रैक आप सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, और ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। बहुत सारे लोग जो है इस ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी इस ग्रुप से जुड़ें, और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो आपके नोट्स हैं वो आप भी प्राप्त करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर अवश्य करना है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आगे और भी वीडियो आने वाले हैं तो इसी प्रकार से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।